दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, गुजरात में एक बार फिर से पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। इसी को देखते हुए 29 जनवरी को आयोजित होने वाली जूनियर क्लर्क परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यह फैसला लिया गया है। इस मामले में गुजरात ATS की जांच जारी है। दोस्तों अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात ATS ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 5 गुजरात के ही रहने वाले हैं। हैदराबाद, उड़ीसा, मद्रास में ATS की जांच जारी है। जल्द ही मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। दोस्तों बता दें, वडोदरा पुलिस को देर रात मामले में एक युवक के पास से पेपर की कॉपी मिली थी। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 29 जनवरी को 11 बजे सुबह में परीक्षा होनी थी। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर नहीं जाने की सूचना दे दी गई है। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि दोबारा परीक्षा कब कराई जाएगी। दोस्तों पेपर रद्द होने की वजह से कुल 9,53,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया है। दोस्तों कोरोना के 2 साल बाद और गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन किया गया था। पंचायत सेवा चयन की बोर्ड की तरफ से क्लास 3 जूनियर क्लर्क के कुल 1,185 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी थी। इसके लिए प्रदेश भर में 9,53,000 से अधिक परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। यह परीक्षा 2,995 परीक्षा केंद्रों पर होना था। दोस्तों प्रदेश भर से 9,53,723 परीक्षार्थी अपनी किस्मत का फैसला करने वाले थे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 7,500 पुलिस कर्मियों को परीक्षा में उपस्थित की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों इस वक्त की ये एक बड़ी खबर है जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों पेपर लीक होने की वजह से स्टूडेंट जगह जगह धरना देना स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों आगे की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए।